बलूचिस्तान में आज से बारिशों का नया स्पेल बरसने को तैयार। गवादर में फिर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कोयटा चमन में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला थम गया। लैंडस्लाइडिंग के बायस मरी और कोटली सत्या का जमीनी राबता मुनक़ता। 5 घर मुकम्मल तबाह, 2 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस हादसात में अमवात की तादाद 35 हो गई, 43 जख्मी हो गए। शदीद बर्फबारी से बंद लवारी टनल अप्रोच रोड को खोल दिया गया। बंद राबता सड़कों की सफाई का काम जारी। बिजली की सप्लाई 1 हफ्ता गुजरने के बावजूद बहाल नहीं हो सकी। शहरियों को शदीद मुश्किल। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में मौसम सर्द। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे गिर गया। नुकसान में जाने वाले सरकारी इदारों की निजकारी की जाएगी ताकि ये इदारे मुल्की मईशत पर मजीद बोझ न बने। हुकूमत के हजम को कम करेंगे। जिन इदारों की जरूरत नहीं उनको जम या फिर बंद कर दिया जाएगा। SIFC को मजीद मुस्तहकम बनाएंगे। हमें मईशत बेहतर करने का मैंडेट मिला है, यही हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सरमायाकारी के फरोग के लिए भरपूर तरीके से काम करेंगे। अच्छे टैक्स पेयर्स की हुकूमती सतह पर पजीराई की जाएगी। FBR में शफाफियत लाने के लिए ऑटो मशीन नागुजीर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सेक्रेटरी खजाना की मुल्की मौशी सूरतेहाल पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की मौशी बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर लाइहा अमल तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म आज गवादर में बारिश से मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। मुतासरीन के लिए पैकेज का ऐलान भी मुतवक्के। नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात आगे बढ़ाने पर काम करेंगे। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा का शहबाज शरीफ का वजीर आजम बनने पर रद्द अमल। मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा, मरीम नवाज की बतौर वजीर आला तैनाती पाकिस्तानी सियासत में संगे मील है। अमरीका खवातीन को सियासी जिंदगी में मुकम्मल शामिल करने का मुंतजर है। सऊदी वली अहद की वजीर आजम शहबाज शरीफ को वजारत उस्मा का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान की तरक्की और कामरानी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क्यादत में पाकिस्तान तरक्की के मनासिल तय करेगा। सऊदी वली अहद मलेशियन वजीर आजम अनवार इब्राहिम का भी शहबाज शरीफ को फोन। वजारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने नमुंतखब वज़ीर आज़म से हल्फ लिया। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और सर्विसेज चीफ की शिरकत। साबिक सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुफ्टी की भी शिरकत। मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों, नून लीग और इत्तेहादी जमातों के रहनुमा भी शरीक हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत नहीं की। बिलावल भुट्टो की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। PP चेयरमैन ने नवाज शरीफ से मुसाफा किया। शहबाज शरीफ को वजारत उस्मा का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म ऑफिस के अमले का तारुफ भी कराया गया। तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खवातीन और अकलियतों की मखसूस कोटे की मुस्तहिक नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तों से मुतालिक महफूज फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला 4-1 के तनासब से जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन का तमाम खाली मखसूस नशस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने का फैसला। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। फैसले को नहीं मानते, इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत में जाएंगे। फैसले से जाहिर हो गया इलेक्शन कमीशन ने आईन के खिलाफ वर्जी की है। इलेक्शन कमीशन ने दूसरी बड़ी आईनी गलती की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। सेनेट में अपोजिशन अराकीन के शेम शेम के नारे।
मुल्क की सदारत के लिए आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकज़ई में मुकाबला। हुकूमत इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद अचकज़ई के कागजात भी दुरुस्त करार। इलेक्शन कमीशन ने दीगर तमाम सदारती उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। अब्दुल कुद्दूस, असगर अली मुबारक, सरफराज कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। आजाद सदारती उम्मीदवारों इकतदार हैदर और अयास फारूकी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। हमारे नंबर्स पूरे हैं, आसिफ जरदारी दूसरी बार सदर मुंतखब होंगे। फारूक एच नाइक की गुफ्तगू। सुनीताद कौंसल ने 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जमा नहीं करवाई थी। अच्छा, ये बात तो हमने खुद बरमला कही है कि नहीं जमा करवाई थी, क्योंकि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहादी थे और जो हमारी सुनीताद कौंसल की खवातीन थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल थी जो कि ECP को जमा करवाई गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएंगे और इलेक्शन कमीशन के इस गैर आइनी फैसले के खिलाफ, गैर कानूनी फैसले के खिलाफ हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और जो फैसला आया है उसके खिलाफ हमारे पास जो एक फोरम अवेलेबल है वहां पर जाएंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी और गैर कानूनी फैसला दिया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। 8 फरवरी के इंतखाबात में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल PTI की इत्तेहादी जमात थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की खवातीन के नाम PTI की मखसूस नशस्तों वाले लिस्ट में मौजूद थे। हमने अलग से लिस्ट जमा ही नहीं कराई थी। सरबरा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा की गुफ्तगू। 18 वजारतें ऐसे हैं जिनको डिसॉल्व होना चाहिए थे 2015 में। इनका सालाना खर्चा आपको पता कितना है? 328 बिलियन रुपीस। मई 9 के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजीर आजम साहब से भी अपील कर रही है कि जुडिशियल कमीशन बनाएं, चीफ जस्टिस फैज ईसा से आप दरख्वास्त करें कि वो खुद पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन दिलवाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जिनको सजा मिलना चाहिए मैं आपको कहूंगा कि सजा दिलवाओ। बिलावल भुट्टो का 9 मई के वाकयात की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशियल कमीशन बनाने का मुतालबा। साइफर मामले पर बानी PTI पर कड़ी तनकीद। साइफर की गुमशुदगी से दुश्मन मालिक फायदा उठा सकते हैं। बानी PTI ने खुद कहा कि साइफर गुम हो गया। गिरफ्तारी के अगले दिन साइफर एक आलमी इशाती अदारे में शाया हो गया। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम बेवकूफ है? साइफर की तहकीकात होनी चाहिए, आइन सबके लिए है। अगर कोई भी आइन की खिलाफ वर्जी करे तो उसको सजा मिलनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में खिताब। PP चेयरमैन की महमूद खान अचकज़ई के घर पर छापे की भी मजम्मत। सदारती इलेक्शन को बिलावजह मुतनाज़े बनाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म से 18 वज़ारतों को खत्म करने का मुतालबा। 18 वज़ारतों का खर्चा 328 अरब रुपए बनता है। अवाम ने इसलिए वोट नहीं दिया कि यहाँ आकर गाली दें। अगर आपको वोट दिए हैं तो उसके लिए अवाम को मौशी बहरान से बचाएं। बिलावल भुट्टो ने तकरीर के दौरान अपोजिशन को कार्टून करार देने के अल्फाज वापस ले लिए। इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बिलावल की तकरीर के दौरान एहतजाज, शोर शराबा और नारेबाजी। जज्बाती लोग हैं, मैं क्या कहूं, ये तो दो दो घंटे से शोर मचा रहे थे। आमिर डोगर साहब एक ही सेंटेंस पे ये चीख उठे। साइफर की बात ये, मैं हमारे पार्टी का इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर मौकिफ है कि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल कमीशन बनाए। एक 19 ग्रेड का ऑफिसर हमारे एम्बेसडर को बुला के जिस तरह वो डिक्टेशन देता है वो हमारी कौमी गैरत पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। इस साइफर को बुनियाद बना के इमरान खान के खिलाफ जिस तरह उसको सजाए दी गई गन पॉइंट से, मुजम्मत करता हूं जो हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट महमूद अचकज़ई की घर पे चापा पड़ा। मेरे जिस तरह तोहीन और तस्दीक की गई, घरों पे चापे पड़े, गिरफ्तार किया गया, आधी आधी रात को उठाया जाता था, दबाव में लाया जाता था कि अपनी पार्टी बनाओ।
साइफर मामले पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल कमीशन बनाए, इंतखाबी धांधली की तहकीकात की जाए। असद कैसर का मुतालबा, हमारे सफीर को बुलाकर जिस तरह डिक्टेशन दी गई वो कौमी गैरत पर सवालिया निशान है। गन पॉइंट पर बानी पीटीआई को सजा दिलवाई जाती है, हमें हक न मिला तो कोई यहाँ हुकूमत नहीं कर सकेगा। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही समेत दीगर रहनुमाओं के मुकदमात खत्म किए जाएं। असद कैसर का कौमी असेंबली में खिताब, भुट्टो का लफ्ज नाम के साथ लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता, ये अपने नाना की सियासत दफन करके गए हैं। बानी पीटीआई सियासत पर यकीन रखते हैं, पावर शेयरिंग पर नहीं। बानी पीटीआई के नाम, तस्वीर और वीडियो पर पाबंदी है। चार रोज से हमारी आवाज पर ब्लैकआउट किया जाता है, बैरिस्टर गौहर खान का इजहार ख्याल। नाना की सियासत वो दफन करके गया है, अभी अपने नाम के साथ भुट्टो का लफ्ज लगा कि भुट्टो नहीं बनता। पाकिस्तान की किसी अदालत के पास ये इख्तियार नहीं है कि क्या कि कोई मोहब्ब वतन है या नहीं है। हम सबसे ज्यादा मोहब्ब वतन है, हमारा लीडर सबसे ज्यादा मोहब्ब वतन है। आज चार दिन हो गए, हर मरतबा हमारी ब्लैकआउट किया जाता है। इमरान खान साहब की आवाज पे पाबंदी है, बानी चेयरमैन बेलो वो बोलना है तो बोल दे, नाम नहीं ले सकते। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। मरियम नवाज का लाहौर में कैंसर अस्पताल की मुजव्वजा साइट का दौरा, हुकाम की मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज की कैंसर अस्पताल के लिए दुनिया भर से बेहतरीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बुलाने की हिदायत। सरकारी अस्पताल में कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज होगा, मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल का दौरा, मरियम नवाज ने तालिबात से स्कूल के मसाइल और जरूरियात के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल प्रोजेक्ट शुरू। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, सेक्रेटरी CNW की सूबे भर की रोड्स की हालत पर तफसीली ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने छोटी बड़ी राबता सड़कों की तामीर मरम्मत और बहाली के लिए डेडलाइन दे दी। 6 माह में पंजाब की 153 से ज्यादा सड़कों की तामीर मरम्मत मुकम्मल करने का हदफ। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब भर के रोड ब्रिज पर रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क की सदारत के लिए आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकज़ई में मुकाबला, हुकूमती इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर, अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद अचकज़ई के कागजात भी दुरुस्त करार। इलेक्शन कमीशन ने दीगर तमाम सदारती उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी। अब्दुल कुद्दूस, असगर अली मुबारक, सरफराज कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। आज़ाद सदारती उम्मीदवारों इकतदार हैदर और अयास फारूक के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। हमारे नंबर्स पूरे हैं, आसिफ जरदारी दूसरी बार सदर मुंतखब होंगे, फारूक एचनाई की गुफ्तगू। सऊदी वली अहद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान की तरक्की और कामरानी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की के मनाज़िर तय करेगा, सऊदी वली अहद। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान का शहबाज शरीफ को टेलीफोन, वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक में दोस्ती और भाईचारे के रिश्ते को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का आदा। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का भी शहबाज शरीफ को फोन, वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का खत। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का नया स्पेल बरसने को तैयार, बालाई इलाकों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई। आज से 7 मार्च तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान, पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बर्फ पड़ने के बायस बंद लोवारी टनल सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मरी में पड़ना के मकाम पर बारिशों के बायस बड़ा इलाका लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गया। 2 तहसीलों मरी और कोटली सतिया का जमीनी राबता मुनकता, लैंडस्लाइडिंग से 5 घर मुकम्मल तबाह, 2 को जुज़्वी नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस हादसात में अमवात की तादाद 35 हो गई, 43 जख्मी हो गए। पाक फौज का सवात और मालाकंड में रेस्क्यू ऑपरेशन, दुशवार गुजार इलाके में लैंडस्लाइडिंग के बायस तबाह होने वाले मकान से 7 लाशों और 2 जख्मियों को निकाल लिया गया।
सड़क से भारी पत्थर और मिट्टी हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दी गई।